तो दोस्तों कैसे हो आप सभी जने अच्छे होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपके बर्ड अच्छे से रहे। और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो गाइस यार आप पानी के जो कि यार बर्तन जरूर रखें, छतों पर बाहर पेड़ों पर जरूर टंगाएं, जिससे क्या है कि भूखे प्यासे जो बर्ड है वो अच्छे से पानी पी सके और साथ में दाना भी चुग सके। और आपके पास अगर दाना नहीं हो तो गाइस क्या करें, रोटी को अच्छे से चूर दें, बारीक कर दें, और जिससे क्या छोटी चिड़ियाएँ हैं, मैना है, कबूतर है, वो आराम से शौक से खा लेंगे और साथ में हमारी जो गिलहरी है वो भी खा लेगी। तो गाइज इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि गाइज यार बहुत ही इजी तरीका होता है। कोई भी आप जो कि प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं और वो पक्षियों के लिए जो कि लगा सकते हैं। और गाइज यार आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज पैरेट बर्ड के बारे में एक कमेंट आ रही है, कह रहे हैं कि भैया हमारे जो पैरेट बर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सूख रहा है, क्योंकि उसकी जो हड्डी है वो निकल चुकी है चेस्ट की, और हम उसके लिए ऐसा क्या करें जिसकी वो चेस्ट की हड्डी है जो कि वापस भर जाए और वापस वो मोटा ताज़ा हो जाए। तो गाइज यार इसे सीप की बीमारी कहते हैं, जो कि सूखना, क्योंकि गाइज धीरे धीरे बर्ड्स के कुछ भी नहीं लगता है और फिर वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है और फिर वो लास्ट में मर जाता है। तो इसमें आपको करना क्या होगा गाइज यार, लीफ 52 जो कि आती है मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी छोटे बच्चों की, जो कि यार लीवर जो कि उससे स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी आप कुछ भी उसे फीड कराएं तो गाइस यार एक तो उसके अंदर जो कि कटोरी में बिल्कुल भी ना रखें, उसे आप जो कि हैंड फॉर्मूला जो कि खिलाएं उसे क्या करें हैंड पर उठा लें, क्योंकि गाइस उसको सिरिंज से ही खिलाएं आप। और गाइस हैंड फॉर्मूला जब खिलाएंगे तो गाइस वो क्या है कि धीरे धीरे उसका पेट भी भरेगा और ली 52 जो कि उसके अंदर अच्छे से मिला दें, लीवर की दवाई है जो कि, और फिर वो दें। तो गाइस यार धीरे धीरे आप देंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे फ़र्क नज़र आने लग जाएगा, और अंदर कटोरी में दाने भी डाल के रखें जिससे वो खुद भी उठाने लगे, और साथ में उसे आप केला दें, अंगूर दें, और साथ में आप जो कि एप्पल भी दे सकते हैं, और फिर गाइस यार उसे पपीता खिलाएं जिससे क्या है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा पैरेट। और उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है जो कि विमरल्स भी आप पैरेट को पानी के अंदर घोल के दें 1 से 2 बूंद, जिससे क्या है कि वो पिएगा तो गाइस विटामिन्स की जो कमी होगी वो भी अच्छे से पूरी हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर आपका पैरेट है जो कि वापस अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि गाइस यार बर्ड्स की दवाई बहुत ही जल्दी लग जाती है जिससे क्या है कि वो जल्दी तैयार हो जाता है, और आपको भी उसकी मदद करनी होगी उसे तैयार करने में। तो गाइस उसका अच्छे से ध्यान रखें। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।